नमस्कार, मैं एन के सिंह। सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई शुरू हो गई है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को होनी थी और पिछले कई वर्षों से रुकी हुई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी है और आज पूरे दिन की बहस में एक बात जो साफ देखने में आई, चंद्रचूड़ के जो सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो वकीलों से सवाल किए उनको देख के दो चिंताएं उनके जो सवालों से नजर आई वो बड़ी स्पष्ट थी। पहला ये कि ये बॉन्ड कोई भी अगर अपना पैन वो आधार कार्ड दिखा देता है, अपना केवाईसी दिखा देता है तो उसको ये दिया जाता है। तो ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया और ये एक गुमनामी के अंधेरे में पता ही नहीं चलेगा कि असली खरीदार कौन है और किसने किसको दिया। तो ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की चिंता थी कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जो 2017 में एक कानून बना के फाइनेंशियल एक्ट लाके बनाया गया था और बड़े कसीदे काढ़े थे सरकार ने कि साहब पारदर्शिता आ जाएगी, करप्शन की गंगोत्री खत्म हो जाएगी। तो जो सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया वकीलों से वो यही था कि इसमें पारदर्शिता कैसे खत्म होगी अगर ए ने बी को दिया वो बॉन्ड और ये बॉन्ड एक उस तरह है, कैश की तरह ही है, कोई भी चाहे तो इसको कैश करा सकता है, वो जो कि पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जिसको 1% वोट राज्य में या देश भर में मिले हो, यही दो शर्तें हैं। तो किसने दिया ये कभी भी पता नहीं लग पाएगा। तो सवाल सीजेआई का जो था वो ये था कि ये बॉन्ड ए से बी को जाएगा, बी से सी को और अंत में पता लगा कि किसी ने घर पे डाल दिया किसी पैकेट में और पता ही नहीं लगेगा कि कौन आदमी लाया है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है जिसके तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सवालात जो थे वकीलों से वो थे। और दूसरा उनका जो दूसरी उनकी जो चिंता थी वो ये थी कि ये अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस इन बॉन्ड्स को खरीदता है तो अपने बैलेंस शीट में ये तो वो देगा कि कितने के बॉन्ड्स खरीदे, लेकिन ये नहीं बताएगा कि किसको दिया। अब जो शेयर होल्डर है उसका ये राइट है जानना, क्योंकि मान लीजिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी उनसे नाराज है, उसको अच्छा नहीं मानता है, बी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा मानता है। तो ये शेयर होल्डर अगर आप नहीं बताएंगे तो उसका पैसा आप उसको दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को जिसको वो नहीं चाहता है। तो ये सवाल चीफ जस्टिस ने पूछा और जस्टिस गवई ने भी बीच में दो तीन सवाल पूछे जो लगभग इसी के आसपास थे। तो कोर्ट का रुख बहुत साफ दिखाई दे रहा था और हो भी क्यों ना, जिस तरह से प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट्स थे इस बिल के इस कानून के खिलाफ वो बहुत ही वैलिड थे और उसमें कुछ 3-4 नए पॉइंट्स थे जो अभी तक हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन आज के वो आर्गुमेंट में आए। पहला, जरा सिंपल सोचिए आप, कितना बड़ा धोखा जनता वोटर के साथ इस सरकार ने किया ये बिल लाके। इस बिल का रिकॉर्ड जब प्रशांत भूषण ने दिया तो पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको चंदा जाता है या फिर राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उसको जाता है। 94% चंदा देश में बैठे सत्ता में जो लोग हैं उनको जाता है या जो राज्य में हो सकता है, राज्य में कांग्रेस हो तो उसको जाता हो, तृणमूल कांग्रेस हो उसको जाता हो, लेकिन राज्य मतलब कि इसकी प्रकृति है कि कॉरपोरेट घराना जो चंदा दे रहा है उसका कोई पर्पस है, वो सिर्फ सत्ताधारी दलों को दे रहा है, वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। ये आस्पेक्ट एक नया निकल के आया है, वो उनको देता ही नहीं है जो सत्ता में नहीं है, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी को एक आना भी नहीं मिल रहा है लेकिन बीजेपी को सब कुछ मिलेगा। यही स्थिति देश के लेवल पे है। तो और दूसरा यह है कि ये सारा जो बॉन्ड्स है ये कॉरपोरेट घराने खरीद रहे हैं, क्योंकि 90% जो बॉन्ड्स हैं वो 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में हैं,
मतलब 1 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ इस तरह के उसमें है, 1 करोड़ से नीचे का कोई नहीं है, तो ये कौन खरीदता होगा? मेरी तो हैसियत नहीं है, मेरे ख्याल से आप श्रोताओं की भी नहीं होगी कि 1 करोड़ तो छोड़िए 1000 रुपए का भी खरीद ले। तो 1-1 करोड़ के मल्टीपल्स में जो बॉन्ड खरीदे जाते होंगे वो कैसे होते होंगे? तो दूसरा ये है इसका पहलू कि कॉरपोरेट हाउस खरीद रहे हैं ये बॉन्ड्स, और कॉरपोरेट हाउस खरीद के ये किसी को पता नहीं लगेगा, जबकि रिकॉर्ड देखने से पता लग रहा है कि सिर्फ सत्ता में जो पार्टी है उसी को जा रहा है, वो केंद्र में हो चाहे राज्य में। तो दूसरा ये राज खुला। तीसरा राज ये खुला कि साहब एक लोकसभा का चुनाव मान लीजिए है, एक लोकसभा के चुनाव में 540-542 सांसद चुने जाते हैं, सांसद के लिए जो सीमा है वो 70 लाख की है, 70 लाख ही वो खर्चा कर सकता है। तो अगर हम 540 का मान लें और ये मान ले कि साहब सत्ताधारी पार्टी ने अपने 540 कैंडिडेट दिए हैं, क्योंकि पैसा तो उसी को जा रहा है सबसे ज्यादा, 90% उसको जा रहा है, तो उसका एक्चुअल खर्च जो है वो 70 लाख गुणे 540 कर लीजिए आप, तो ये 400 करोड़ के आसपास बैठता है। आप जानते हैं बीजेपी को मिला कितना है 5 साल में? 5000 करोड़ से ज्यादा, करीब 5200 करोड़। और सबसे ज्यादा जिस पार्टी को मिला है वो बीजेपी है, और उसको 5000 करोड़ बॉन्ड्स के रूप में मिला है, 5200 करोड़। बल्कि उसके बाद का इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया है, करीब 3000 करोड़ और आए हैं। और इस साल जो अगले साल का चुनाव होने जा रहा है इसमें उम्मीद है, ऐसा एक असेसमेंट है कि इसमें करीब 4000 करोड़ से ज्यादा अभी अगले कुछ महीनों में बीजेपी के पास आएगा। ये स्थिति, ये एक आकलन, एक वेग आकलन है, अभी कुछ बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये बॉन्ड रहेगा। तो अब इसका जो चौथा सबसे बड़ा खतरनाक आस्पेक्ट है उसको जरा आप सोचिए। इस पैसे की वजह से हर जगह बिलबोर्ड, साइन बोर्ड, मीडिया में, मीडिया को पैसा चाहिए एडवर्टीजमेंट के थ्रू, लिहाजा जो भक्त चैनल है वो दिन रात दिखाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, जिसने उसको पैसा दिया है, वो क्या कर रही है, जनता का ओपिनियन इससे चेंज होगा। तो ये एक जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जो शर्त है किसी भी प्रजातंत्र की, और इसको प्रशांत भूषण ने भी कहा और कपिल सिब्बल ने भी कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फ्री एंड फेयर, ये बाधित हो रहा है इससे। इसपे भी जस्टिस चंद्रचूड़ और उनकी बेंच लगभग काफी देर तक इसको लेके आपस में चर्चा करते रहे और कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रही। करीब 3 बार ऐसा हुआ जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग रोक के जजेस आपस में चर्चा करते रहे, जिसके धुरी में, जिसके केंद्र बिंदु जस्टिस चंद्रचूड़ थे। तो जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई और बाकी जो जो जजेस थे, उन सभी का एक ही चीज मानना था, जो क्वेश्चंस कर रहे थे उससे दिखाई दे रहा था कि उनकी चिंता यह है कि मनी पावर का रोल इसमें कितना बड़ा होने जा रहा है और हो रहा है। लिहाजा ये जो आज की बहस हुई है, इसका लब्बो लुआब ये है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए लीजिए, कुल जो बॉन्ड्स आए हैं करीब 16000 करोड़ के बॉन्ड्स आए हैं, 16000 करोड़ के बॉन्ड्स, आप जरा सोचिए। और इसमें वो कंपनियां हैं जिनका बैलेंस शीट में लॉस दिखाती है, वेदांता का जिक्र किया वकील ने, प्रशांत भूषण ने, कि वेदांता लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन साहब जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होता है तो वो 150 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। आखिर ये है क्या, एक कंपनी जो कि लॉस में है, वो उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि अपना लॉस को प्रॉफिट में करने की जगह वो और लॉस करे, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल नेक्सस इसके पीछे रहे। कपिल सिब्बल ने एक आंकड़ा दिया कि 1968 में कॉरपोरेट फंडिंग को बैन कर दिया गया था, लेकिन 1985 में इसको फिर से शुरू किया गया। उसके बाद 2013 में, और 85 में जब शुरू किया गया तो इसको 5% रखा गया। 5% का मतलब कोई भी वो कंपनी
जिसका बैलेंस शीट पिछले 3 साल से प्रॉफिट में है वो अपनी प्रॉफिट का 5% दे सकती है। उसके बाद इसे 7.5% किया गया, अब इसकी सीमा मोदी सरकार ने खत्म कर दी। और जो फकरा में चेंज किया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में, पीएमएलए में चेंज किया है, आईटी एक्ट में चेंज, इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया है, करीब 5x चेंज किए गए ताकि कॉरपोरेट का पैसा आ सके। और ये सारा चेंज करके हकीकत ये था कि एक चेंज जो किया गया कंपनीज एक्ट में, उसके तहत पहले ये था कि चीन की कोई कंपनी मान लीजिए है, फॉरेन की कोई कंपनी पैसा नहीं दे सकती भारत में पॉलिटिकल पार्टी को, तो इसका मोदी सरकार ने तोड़ क्या निकाला, कंपनीज एक्ट में एक चेंज किया। और उस चेंज के तहत अगर उस फॉरेन विदेशी कंपनी का कोई सब्सिडियरी भारत में है तो वो जितना चाहे पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। तो आपने देखा होगा अभी एक दो जर्नलिस्टों को किस तरह से सरकार ने चीन का पैसा लेने के नाम पे एनएसए लगा दिया। एक पोर्टल के छोटे से उसको लेके वो चीन का कहां से पैसा लाया, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ वो बोलता था, तो कहा गया चीन का पैसा आया है और ये कह के उस पे एनएसए लगा दिया गया, वो बेचारा जेल में है। लेकिन इस कानून के तहत अगर वही चीन अपनी कोई सब्सिडियरी रखे और तब मोदी सरकार के पार्टी को पैसा दे, तब बीजेपी को पैसा दे, तो वो बिल्कुल वैलिड है, उस पे कोई कानून नहीं लगेगा। आप जरा सोचिए कितना खतरनाक है कि एक तरफ आप ये कर रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट लिख रहा है और उसको अगर कहीं से मदद मिली है तो उसको आपने कहा कि साहब ये चीन का पैसा है और चीन यहाँ पे एडिटोरियल इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये कह के आपने उस पे एनएसए लगा दिया। हमारे कई जर्नलिस्टों के घर पे छापे पड़े, छापे पड़ने के बाद उनको उठा के पूछताछ आज भी चल रही है। लेकिन इसी कानून के तहत जो मोदी ने बॉन्ड्स का कानून बनाया है, इसके तहत अगर वही चीन एक सब्सिडियरी यहां पे रख ले, एक कोई छोटी सी कंपनी रख ले और उसके थ्रू ये फंड करना चाहे, तो मोदी जी की बीजेपी को वो निर्बाध रूप से कोई भी फंड देगा वो वैलिड माना जाएगा, वो देशद्रोह में नहीं आएगा, उस पे एनएसए नहीं लगेगा बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। तो ये पैराडॉक्स आज की चर्चा में खुल के आया कि जिस चीन से पैसा लेने के नाम पे जर्नलिस्टों को बंद किया जा रहा है, उसी चीन से आप बड़े आराम से इस कानून में जो अमेंडमेंट हुआ कंपनीज एक्ट में, इसके तहत विदेशियों का पैसा भी अलाउ कर दिया गया, एक छोटी सी शर्त कि उनकी यहां पे कोई सब्सिडियरी यूनिट हो। चीन की अब एक कंपनी होगी जो सरकार ने पैदा की होगी, वो एक सब्सिडियरी यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस बना लेगी। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, अडानी यहां से पूरा पैसा लेके जा सकते हैं अपने शेल कंपनियों के थ्रू, और शेल कंपनियां वहां पे होंगी जिनका की एक ऑफिस यहां पे होगा, और उसके बाद वो सारा पैसा वो इस फंड में जा सकता है। एक बात पर सीजेआई और भी थोड़ा चिंतित लगे, वो ये था कि साहब खर्च होगा इनका 500 करोड़ चुनाव में, अगर सारे एमपीस का ले लिया जाए कि मैक्सिमम जो है वो सब पार्टी खर्च कर रही है, इनके पास 5,000 करोड़ है, तो कोई भी तरीका नहीं है कि ये कहां खर्च करते हैं ये पता किया जा सके। मतलब कि कॉरपोरेट का पैसा उनके पास आ गया, अब वो सरकार गिराने में करते हैं, एमएलए को मदद, एमएलए को कैश देने में करते हैं, एमएलए को पार्टी छोड़ने के लिए करते हैं, सरकारें पलट देते हैं इसके लिए करते हैं, ये सब वैलिड है। आज के जो डिस्कशन में जो वकीलों ने कहा, और खास करके एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने और कपिल सिब्बल ने, इन दोनों जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, इन्होंने इस पॉइंट को रखा कि, और इस पे सीजेआई ने भी कहा, सीजेआई ने भी इंटरव्यू करके कहा अच्छा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो कहा गया नहीं साहब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कि ये पैसा ये कैसे खर्च करते, ये भी सीजेआई के लिए चिंता का विषय था। तो ये कुल मिला के आज की चर्चा
पूरे सुबह 10:30 से शुरू हुई करीब 10:45 पे और शाम करीब 4:30 तक चलती रही। लेकिन ये कल भी चर्चा चलेगी, फिलहाल ये है कि इस पूरे बॉन्ड को लेके लगभग ये वकीलों ने भी कहा और सीजीआई का भी लगभग यही मानना था और बेंच का भी मानना था कि इसमें सब कुछ सही नहीं है। जो कहा जा रहा था कि पारदर्शिता होगी, ये उल्टा हुआ है, पूरी तरह अपारदर्शी हो गया है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी किसी भी पार्टी की नहीं है, ना जो दे रहा है उसकी है, मतलब डोनर डोनी किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आपको ताजुब होगा कि ऐसा पैसा बॉन्ड का किसी भी सत्ताधारी दल जो राज्य में है या केंद्र में है उसी को मिल रहा है। कॉरपोरेट क्यों देगा अपना, बर्बाद करेगा पैसा जो पार्टी हारी हुई है, तो अन्य किसी को नहीं मिल रहा है। एक अकेली सीपीएम ऐसी पार्टी है जिसने पहले दिन ही कहा कि हम कॉरपोरेट का पैसा नहीं लेंगे, जबकि केरल में उसकी सरकार है और सरकार है केरल में, फैक्ट्रियां हैं, ये कॉरपोरेट हाउस उसको भी दे सकते थे, लेकिन सीपीएम ने मना कर दिया कि हम इनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो ये इसका दूसरा पक्ष है। सबसे ज्यादा है कि शेयर होल्डर और जनता, जनता को ये पता ही नहीं चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कॉरपोरेट घराने से कितना मिला है, और वो शेल कंपनी का पैसा है जो अडानी लेके कहीं विदेश चला गया और विदेश से वापस लेके आया है अपनी शेल कंपनी के थ्रू, ये जनता को नहीं पता चलेगा। तो जब वोट देगी वो, तो ये कभी नहीं समझ पाएगी कि वो वोट दे रही है तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो अपना प्रचार कर रही है किसके एहसान के तले दबी हुई है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आज की चर्चा में रही। मुझे लगता है कि कल भी ये बहस जो चलेगी तो रुख उसका बहुत साफ है, देखना है कल फैसला क्या आता है। फिलहाल इतना ही, कल जब फैसला आएगा तो फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए